अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने अपने ही पार्टी के इंसाफ हाउस कराची पर हमला कर दिया और शीशे तोड़ दिए। लेकिन क्यों? ऐसी खबर आ गई कि सुनकर इमरान खान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने मनपसंद अफराद को टिकट देने पर इंसाफ हाउस में हल्ला बोल दिया और शीशे तोड़ दिए। तफसीलात के मुताबिक कराची के इंसाफ हाउस में इजलास जारी था, जिसमें आरफ अलवी, रमेश कुमार, फरदोस नकवी समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक थे। इस दौरान मनपसंद अफराद को टिकटें देने पर PTI कारकुनान मुश्तइल हो गए और उन्होंने इंसाफ हाउस में तोड़ फोड़ शुरू कर दी और शीशे तोड़ दिए, जबकि इस मौके पर कारकुनों की जानब से इंसाफ हाउस की दीवारों पर वॉल चाकिंग भी कर दी गई। इस हवाले से इमरान इस्माइल का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था, इस दौरान हमला हो गया, जिसको टिकट नहीं मिली उसने तोड़ फोड़ दी। हर शख्स चाहता है कि उसे टिकट मिले, हर किसी को पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकते और किसी को भी पार्टी टिकट इस तरह से नहीं मिलेगा तोड़ फोड़ के तरीके से। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखती हैं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।